उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को एनकाउंटर में मार गिराने की बात कही है। यूपीएसटीएफ के मुताबिक एनकाउंटर मेरठ में हुआ है। अनिल दुजाना ग्रेटर नोएडा का रहने वाला था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दुजाना का काफी खौफ था। रिपोर्ट्स के अनुसार यूपीएसटीएफ और दुजाना के बीच सीधी मुठभेड़ हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल दुजाना की कुख्यात माफिया सुंदर भाटी और उसके गैंग से रंजिश चलती थी। इस रंजिश में कई हत्याएं भी हो चुकी हैं। 2012 में अनिल दुजाना और उसके गैंग ने सुंदर भाटी और उसके करीबियों पर AK-47 जैसे हथियारों से हमला किया था। सरकारी ठेकों, सरिये की अवैध तरीके से चोरी, टोल के ठेकों को लेकर लड़ाई होती थी। अनिल दुजाना इस साल 10 अप्रैल को ही रिहा हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार रिहा होते ही उसने गौतम बुद्ध नगर में अपने खिलाफ गवाही दे रहे लोगों को धमकियां भी दी थी। नोएडा के बादलपुर इलाके के दुजाना गांव का रहने वाला अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना पर गाजियाबाद के कवि नगर थाने में हरबीर पहलवान की हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। साहिबाबाद स्थित भोपुर में नवंबर 2011 में माफिया सुंदर भाटी के साले की शादी थी। उस मौके पर अनिल दुजाना ने अपने साथियों की मदद से AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई लेकिन सुंदर भाटी बच निकला। अनिल दुजाना 13 हत्याकांड में जनवरी 2012 में पकड़ा गया। वह जेल से अपने गैंग को चलाने लगा। दुजाना पर हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी, अपहरण समेत कुल 62 मामले दर्ज हैं। अनिल दुजाना के एनकाउंटर पर एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने कहा, अनिल दुजाना एक कुख्यात अपराधी है। हमारी मेरठ यूनिट ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है और इसके ऊपर 18 से ज्यादा मर्डर केसेस दर्ज हैं। जैसे ही आगे की डिटेल मिलेंगी उसके अनुसार जानकारी दी जाएगी। बाकी इस पूरे मामले का हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दिल्ली लल्लन टॉप। शुक्रिया।